हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइट कमीज को लूज करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मेरा कमीज है जो कि बहुत ही टाइट है और मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर कपड़ा भी नहीं है और इसे हमें लूज करना है तो किस तरीके से करेंगे आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरा रेडीमेड कमीज है, इसमें अंदर कपड़ा नहीं है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि हम इसे किस तरीके से लूज करेंगे। सबसे पहले हम कमीज को फोल्ड करके रखेंगे और हाँ, कमीज को फोल्ड करते हुए हमें ये ध्यान रहे कि हमने कमीज को अच्छे से बीचों बीच फोल्ड किया है। ऊपर नीचे से अच्छे से मिलाएंगे। यह मैंने कमीज को फोल्ड करके रख लिया है। अब हम ये देखेंगे ऊपर से हमारे शोल्डर कितने हैं, ये देख लेंगे हमारे शोल्डर की चौड़ाई यहाँ कितनी है और उसके बीच में निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उसके हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है और इस निशान को हम पूरा नीचे तक सीधा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कमीज में शोल्डर से नीचे तक सीधा निशान लगा लिया। इस निशान के ऊपर से हम कमीज को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने कमीज को कट कर लिया है। अब हम इसके बीच में कपड़ा अटैच करेंगे। वो किस तरीके से करना है उसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने मेरे कमीज से मैच करते हुए रेड कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई हम अपने कमीज से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। रेड कपड़े से हम इस तरीके की 4 कलियाँ कट करेंगे। ऊपर से मैं कली की चौड़ाई 1.5 इंच रखूँगी और नीचे से जो कली की चौड़ाई रखूँगी मैं वो 4 इंच रखूँगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि कली की कटिंग करते टाइम हमें कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है। नीचे से हमारी कली है 4 इंच और ऊपर से हमारी 1.5 इंच, दोनों को प्लस करेंगे तो 5.5 इंच। 5.5 इंच को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 11 इंच आ जाएगा। आप भी इसी तरीके से जितना भी आप कली की ऊपर और नीचे से चौड़ाई ले उसे प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आपका आएगा वही आपको कपड़े की चौड़ाई रखनी है कली कटिंग करते टाइम। तो यहाँ पर मैं कपड़े की चौड़ाई 11 इंच रखूँगी। ऊपर से नीचे तक 11 इंच का निशान लगाकर कपड़े को हम अलग से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंच चौड़ाई का कपड़ा ले लिया। इसको फोल्ड करेंगे। ये मैंने 1 फोल्ड किया, इसके बाद ये मैंने 2 फोल्ड किया। 2 बार इसे फोल्ड कर लेंगे हम। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नीचे से कली की चौड़ाई 4 इंच, ऊपर से 1.5 इंच। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे से इसकी चौड़ाई 2 इंच, ये हमारी 2 इंच रहेगी और ऊपर से इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1.25 इंच हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कली की कटिंग करेंगे। ऊपर से हम यहाँ 2 इंच का निशान लगाएंगे। इधर ये हमारा 1.25 इंच, इधर ये हमारा 2 इंच, इधर ये 1.25 इंच हमारा। इधर ये देखिए, इस साइड मैंने अपनी तरफ 2 इंच का निशान लगाया है। नीचे की साइड मैं अपने साइड 1.25 इंच का निशान रखूँगी और दूसरी तरफ मैं ये 2 इंच का निशान लगाऊँगी। ये देख सकते हैं आप, ये 2 इंच, ये हमारा 1.25इंच। अब हम दोनों निशान को, ये जो दोनों निशान हमने लगाए हैं, दोनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे। इंची टेप को रखेंगे दोनों निशान के ऊपर और ये निशान लगा लेंगे हम। ये निशान मैंने लगा लिया है। अब हम इस निशान के ऊपर से ही कट करेंगे। यहाँ पर मैंने कलियों को कट कर लिया है। यहाँ से हमारी 3 कलियाँ निकल गई हैं। 2 हमारी ये कलियाँ हैं और 1 हमारी इधर ये कली है। 1 हमारी इस तरीके से निकलेगी जो हमारी यूज़ नहीं होगी। यहाँ पर हमारी 3 कलियाँ निकली, तो अभी हमें 1 कली और कट करनी है।
यहाँ पर मैंने एक कली और कट कर ली है। एक कली को मैंने सीधा कपड़े पर रखा और कली के अकॉर्डिंग वो कटिंग करके एक कली को हम मैंने और निकाल लिया है। अब हम अपना कमीज लेंगे और कमीज के जो हमारे ऊपर से शोल्डर है इनको हल्का हल्का हम खोल लेंगे दोनों साइड से हाफ हाफ इंच। इसके बाद अपनी एक कली लेंगे, कली को इसके ऊपर रखेंगे और हमें ये सीधी सिलाई लगानी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधी सिलाई लगानी है। नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड पर एक एक कलियाँ रखेंगे और ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। दो कलियाँ हम अपने बैक पार्ट पे अटैच करेंगे और सेम उसी तरीके से दो कलियाँ हम अपने फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे सीधी सिलाई लगाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर कलियाँ अटैच कर लिए सीधी सिलाई लगाकर। ऊपर से मैंने टॉप स्टिच भी लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक और स्टिच लगाई है जो रेड पट्टी के ऊपर से लगाई है मैंने। अब हमने जो कमीज को दोनों साइड से कट कर रखा है उसको फ्रंट को फ्रंट वाले के साथ और बैक को बैक वाले के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से दोनों की सीधी साइड मिलाकर रखेंगे और ये सीधी सिलाई लगा लेंगे हम। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से रखेंगे हम और ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। पहले हम ये फ्रंट पर अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बैक पर अटैच करेंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, कमीज के फ्रंट साइड में हमने पट्टियाँ अटैच करके दोनों साइड के कपड़े को भी अटैच कर लिया है, तो फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगाई है दोनों साइड पर। यहाँ पर नीचे तक आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने ये पूरा नीचे तक अटैच कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को भी हम इसी तरफ ले आएंगे। ये देखिए इधर मैं बैक पार्ट को मैंने ले लिया है। अब बैक पार्ट के भी दोनों साइड से जो हमने कट कर रखा है उसको अटैच कर देंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई लगानी है हमें, इसमें और कुछ नहीं करना है। दोनों साइड से हम ये सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको स्टिच करके नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी थी, इसलिए मैंने आपको स्टिच करके नहीं दिखाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगाकर बैक और फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है। बीच में हमने ये कलियाँ कट की है जहाँ से भी हमने इसे कट किया था। ये देखिए बैक साइड से भी कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है। यहाँ पर कई लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी यहाँ पर हमारे शोल्डर की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। ये देखिए आप अंदर से देख सकते हैं कट होने के बाद जितना कपड़ा हमारा दोनों साइड से सिलाई में आया है उतनी चौड़ी हमारी बाहर के साइड ये रेड पट्टी दिखाई दे रही है, तो इससे हमारे शोल्डर की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। अगर आपको शोल्डर की चौड़ाई बढ़ानी है तो आप कली की चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपने कमीज की चौड़ाई को बढ़ा लिया है। आप इस तरीके से अपने कमीज की चौड़ाई बढ़ा सकते हो अगर आपके कमीज के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो। अब मैं एंकर धागे से कमीज पर हल्का सा वर्क करने वाली हूँ जो हमारे कमीज के लुक को बढ़ा देगा। यहाँ मैंने अपने कमीज से मैच करते हुए एंकर धागा लिया है, धागे को मैंने सुई में डाल लिया है। अब हम पट्टी के किनारे किनारे से रनिंग स्टिच लगाएंगे। देखिए पट्टी के मैं दोनों किनारे से ये रनिंग स्टिच लगाऊंगी। हम शोल्डर से ये सिलाई शुरू करेंगे। रनिंग स्टिच लगाना बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई हमें अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें एक बार नीचे से हम सुई को डालेंगे, ऊपर लाएंगे, ऊपर नीचे इसी तरीके से हम ये सिलाई लगाते हुए जाएंगे। एक बार हमें नीडल ऊपर करना, एक बार नीचे, और हाँ ये ध्यान रहे कि जो हम ये टांके लगा रही हैं ये एक जैसी दूरी पर रहे हमारे, तभी इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगी। यहाँ पर मैं इसी तरीके से दोनों किनारी से रनिंग स्टिच लगा लूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कमीज का लुक किस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पर एंकर धागे से सिलाई लगा ली है जो हमारे कमीज पर बहुत ही अच्छी लग रही है।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि इससे आपके कमीज की फिटिंग ख़राब हो गई है तो आप साइड से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाकर सिलाई लगा सकते हैं। और ये एंकर धागे वाली सिलाई लगाने के बाद हमारे कमीज पर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि हमने अलग से पट्टी को अपने कमीज पर अटैच किया है। ये हमारा एक डिजाइनर कमीज बनकर तैयार हो गया है। आप इसी तरीके की अपने डिजाइनर कुर्ती तैयार भी कर सकते हो। अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इसके बैक साइड में मैंने रनिंग स्टिच नहीं लगाई है, दोनों साइड में। अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी ये रनिंग स्टिच लगा सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और हाँ, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते किसी न्यू वीडियो में किसी नए डिज़ाइन और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।